जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। आज का जो मेरा वीडियो है SSC GD की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट 2022 में निकल के आई है, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, 24,000 प्लस वैकेंसी आप लोग की है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। जी हाँ, CAPF के अंतर्गत आप लोग की, फिर चाहे वो BSF में काफ़ी अच्छी वैकेंसी, 10,000 प्लस वैकेंसी BSF में देखने को मिल रही है। और CRPF, जी हाँ CRPF, 2021 की जो आप लोग की SSC GD की रिक्रूटमेंट आई थी, CRPF की वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, क्या CRPF अपनी रिक्रूटमेंट खुद निकालेगा या फिर SSC GD ही CRPF की भर्ती लेगी तो क्या इस बार लेगी नहीं लेगी, कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो उन सभी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करते हुए CRPF की भी 8,000 प्लस वैकेंसी इसमें है। इसके अलावा कई डिपार्टमेंट है इसमें, फिर चाहे वो ITBP हो, असम राइफल हो, SSB हो, लेकिन CISF ने इस बार जो है बहुत ज़्यादा चौंकाया है, बहुत ही कम वैकेंसी इस बार दी है SSC GD 2022 की रिक्रूटमेंट में। बट किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक सीट ही काफी है आप सभी लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए। तैयारी कीजिए, 24,000 प्लस वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि नोटिस आप लोगों को दे दिया है SSC ने लास्ट टाइम में। यदि वेबसाइट पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो फिर इसकी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर, SSC एक्स्ट्रा टाइम आप लोग को नहीं देने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड कोई भी इस प्रकार के काम SSC नहीं करेगी, तो जल्द से जल्द आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। 30 नवंबर 2022 की लास्ट डेट है आप लोग की, 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, आप लोगों को जो एज में बेनिफिट मिला है उसका फायदा आप लोग उठाइए। जी हाँ, सभी कैटेगरी में 3 साल का बेनिफिट मिला है। जनरल से हैं तो 18 से 26 साल, OBC से हैं तो 18 से 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, SC ST से हैं तो 18 से 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूजन में है, क्या सर एज में सभी को बेनिफिट मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो सभी को बेनिफिट मिला है, 3 साल का बेनिफिट है। फॉर्म अप्लाई कीजिए और रिटर्न एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, समय बहुत ही कम है। जी हाँ, जनवरी 2023 रिटर्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है, न्यू पैटर्न पर आधारित है, 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटर्न एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ऑनलाइन परचेज कीजिए, ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी में आप लगी है। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है आपके सिलेबस से रिलेटेड है, क्या सिलेबस आप लोग का रहने वाला है, बिल्कुल क्लियर आप लोग यहाँ पे होने चाहिए, तो A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। तो SSC कांस्टेबल GD 2022 का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, आप लोग को मैं क्लियर कर दूँ। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, रिटर्न जनवरी 2023 की डेट यहाँ पे अभी तक दी है डिपार्टमेंट में, और ये मान के चलिए ये समय बिल्कुल कंफर्म है। तो जनवरी 2023 में आपके रिटर्न एग्जाम हो सकते हैं, जो कि सबसे पहले रिटर्न एग्जाम ही होने वाले। रिटर्न एग्जाम यदि आप लोग क्लियर करेंगे तो फिर आप लोग को बुलाया जाएगा यहाँ पे फिजिकल के लिए। फिजिकल यानी कि PET PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रनिंग होगी आप लोग की, और इसके अलावा आप लोग की PST यानी कि हाइट वेट चेस्ट आप लोग का देखा जाएगा। इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, मेडिकल के बाद आप लोग की फाइनल ज्वाइनिंग होनी। तो ये आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि रिटर्न के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद फाइनल सिलेक्शन। बिल्कुल क्लियर आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस से, अब आप लोगों को किसी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है बाकी के सिलेबस, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहला स्टेप है वो है रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम का क्या सिलेबस है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, भर्ती देखो पे जाकर के आप लोग सिलेबस से रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोग वहां पहुंचिए, रीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। तो रिटर्न एग्जाम देखिए, रिटर्न एग्जाम का जो है सिलेबस इस बार चेंज किया गया। पहले आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के यहाँ पे आ रहे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का 2 मार्क्स का होने वाला है, और सभी सब्जेक्ट्स में आप लोग को क्लियर कर दूं यहाँ पे जो संख्या है वो कम कर दी गई है। यानी कि जो आप लोग की GK है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ 20 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट आप लोग चूज करेंगे तो उसके भी 20 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। पहले ये 25 25 25 होते थे, लेकिन अभी जो है आप लोग को 20 20 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 80 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि 160 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स का होने वाला है, बिल्कुल क्लियर। 1 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है। जी हाँ, टाइम में भी कमी कर दिया गया है, क्वेश्चंस में भी आप लोग की कमी कर दी गई है, लेकिन नंबर्स यहाँ पे आप लोग के बढ़ा दिए गए हैं। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के आप लोग के होने वाले, 1 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है, बिल्कुल ध्यान
ध्यान रखिए, ये एक घंटा जो आप लोग का वन आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जी हाँ, लाइफ चेंजिंग आप लोग का ये वन आवर रहने वाला है, जो कि जनवरी में आप लोग को डेट मिलेगी। जी हाँ, पूरी जानकारी मेरे पास आने वाले समय में आप लोग को क्लियर कर दूंगा। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के, एक घंटे का टाइम। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, माइनस मार्किंग। जी हाँ, माइनस मार्किंग आप लोग की होने वाली, 0.50 यहाँ पे माइनस मार्किंग होने वाली है। देखिए, यदि आप लोग न्यू कैंडिडेट, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, मैं क्लियर कर दूं, माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो वो क्वेश्चन तो आपका गलत है ही है, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग का सही है उसमें से 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी कि दो नंबर का वो क्वेश्चन जो आप लोग का सही था उसमें से एक नंबर आप लोग का काट लिया जाएगा। तो ये होती है आप लोग की माइनस मार्किंग। जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो सही है उसमें से भी एक नंबर काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम को बहुत ही सोच समझ के ध्यान से देंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन को आप लोग नहीं छुएंगे, नहीं करेंगे, बहुत ही बड़ा बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। तो ये रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया, सब्जेक्ट की जानकारी आप लोग ले लेंगे ठीक है जाकर के। अब इसके अलावा यदि आप लोग रिटन एग्जाम में एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एनसीसी वालों को। जी हाँ, एनसीसी वालों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला। एनसीसी आप लोग के पास है तो 5% आप लोग को मिलेंगे जो भी आप लोग के रिटन एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और इसके अलावा एनसीसी बी के आप लोग के 3% मिलेंगे और एनसीसी ए का आप लोग का जो है यहाँ पे 2% मार्क्स मिलेंगे जो भी आप लोग के मैक्सिमम मार्क्स रिटन एग्जाम में होंगे, उसके इतने परसेंट आप लोग के ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो भी आप लोग का एनसीसी ए बी सी है वो सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए, यानी कि लास्ट डेट से पहले का आप लोग का सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए, तो ही आप लोग के लिए इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप लोग को जो है यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट एनसीसी वालों को यहाँ पे मिलने वाला है। बिल्कुल रिटन एग्जाम की मेरिट में आने के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा यहाँ पे फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे 10 से 12 गुना बच्चे यहाँ पे फिजिकल के लिए आप लोग को बुलाए जाएंगे। फिजिकल सेंटर्स पे करेंगे, सीआरपीएफ आप लोग को जो है एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज करेगी, आप लोग को बुलाया जाएगा, फिजिकल होगा। फिजिकल के अंतर्गत आप लोग का पीईटी पीएचटी होने वाला है। पीईटी के अंतर्गत मैं आप लोग को बता दूं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आप लोग की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट का टाइम मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, 8.5 मिनट का आप लोग को टाइम मिलेगा। और यदि आप लोग लद्दाख रीजन से आते हैं, मेल कैंडिडेट 1600 मीटर की रनिंग, 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट आप लोग की जो है 800 मीटर की रनिंग, 4 मिनट का टाइम आप लोग को मिलने वाला है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रनिंग क्लियर करने के बाद आप लोग की यहाँ पे होने वाली पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड आप लोग का देखा जाएगा, हाइट वेट चेस्ट वगैरह आप लोग को देखा जाएगा। यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट है, 170 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट चेस्ट जनरल ओबीसी एससी 85 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 85 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप लोग की हाइट होनी चाहिए 165.5, और फीमेल कैंडिडेट हैं एसटी तो 150 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आप लोग की यहाँ पे यदि आप लोग एसटी मेल कैंडिडेट है तो 76.5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाएगा। गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा ठीक है, आप लोग नॉर्थ ईस्ट एरिया से आप लोग आते हैं, पूरी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग की हाइट होगी मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट का चेस्ट यहाँ पे 78.5 सेंटीमीटर का फुलाव होगा। तो ये आप लोग की हाइट वेट चेस्ट यहाँ पे होने वाला है ठीक है। वेट कोई जरूरी नहीं है आप लोग का मेजरमेंट किया जाए, लेकिन मेडिकल के समय आप लोग का वेट जरूर देखा जाएगा। वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है, पूरी जानकारी मैं आप लोग को आने वाले समय में प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही वो वीडियो लेकर के आप लोग को वीडियो मिल जाए। तो फिजिकल यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। फिजिकल के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए यहाँ पे आप लोग क्लियर कर दूं, 3 गुना बच्चे लगभग आप लोग के 3 टाइम स्टूडेंट यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। डिफरेंट अब जगह जगह पे आप लोग के सेंटर बनाए जाएंगे, पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो मेडिकल में आप लोग को यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम पाई जाती है तो आप लोग को री मेडिकल मिलेगा। तो री मेडिकल में भी यदि आप लोग क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग फेल हो जाएंगे। तो मेडिकल री मेडिकल क्लियर करते हुए आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम आएगा तो फिर आप लोग को लेटर्स आएगा, लेटर यानी कि आप लोग की ज्वाइनिंग लेटर आएगी, फिर आप लोग को जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। तो बिल्कुल क्लियर है आप लोग का यहाँ पे, सबसे पहले रिटन के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद आप लोग की यहाँ पे जो है फाइनल लिस्ट के बाद आप लोग को ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। यही है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई और जानकारी लेनी तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी प्रोवाइड करता रहूंगा। और आने वाले समय में इसी प्रकार के वीडियोज आप लोग को मिलते रहेंगे, किसी भी प्रकार की टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले कहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आपको क्लियर करके। थैंक यू।